अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू विल ऑल राइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, द एम्बेसडर्स डिसगाइज। एम्बेसडर मीन सफ़ीर एंड डिसगाइज मीन भेस बदलना। नाउ कम्स टू वर्ड्स, सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ एम्बेसडर, एन ऑफिशियल ऑफ द हाइएस्ट रैंक सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। यानी एम्बेसडर जो होता है वो एक शख्स होता है जो बहुत अहम पैगाम लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, और उर्दू में हम इसे सफ़ीर कहते हैं। द सेकेंड इज़ बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करना। थर्ड वन क्लब। क्लब का मतलब होता है छड़ी या फिर डंडा, अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ वीपन। लांस, लांस को उर्दू में कहते हैं नेज़ा, अ लॉन्ग वुडन वीपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट होता है खराज तहसीन या फिर हदिया, अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर। नाउ कम्स टूवर्ड्स द स्टोरी। वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर। पैलेस जो होता है वो होता है महल। व्लादिमीर के महल में अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ केव, जो कि एक बहुत बड़ा प्रिंस था, शहजादा था केव का और रशियन था। ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बोस्ट, सब नोबल्स जो थे वो अपने बारे में तारीफ कर रहे थे। वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक जो नोबल था उसने अपनी ताकत के बारे में तारीफ़ की। Another showed off his wisdom, दूसरे ने अपनी अकलमंदी की तारीफ की। Other boasted of their wealth or their trusted horses, और बाकी लोगों ने अपनी दौलत और वफादार घोड़ों के बारे में तारीफ की। One noble Stavr Godunovich said nothing at all, एक नोबल जो था उस जिसका नाम था Stavr Godunovich, उसने कुछ नहीं कहा। He sat with a dreamy look on his face, वो सोचने वाले अंदाज में बैठा रहा। प्रिंस व्लादिमीर नोटेड दिस एंड आस्क्ड, प्रिंस व्लादिमीर ने उसे देखा और पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं स्टावर, हैव यू नथिंग टू से, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं। ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ, मेरे पास तारीफ़ करने के लिए कुछ नहीं, एक्सेप्ट माय वाइफ, सिवाय मेरी बीवी के कैटरीना, जिसका नाम है कैटरीना। ही इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, वो जवान और ख़ूबसूरत है। ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल, बहुत बहादुर और बहुत ज़्यादा महारत रखती है देन एनी वॉरियर हेयर, किसी भी जंगजू से ज़्यादा जो यहाँ पर हैं। शिकम शूट विद अबो, वो एक कमान के साथ मार सकती है। सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह गा सकती है। एंड इंचेंट एवरी वन विद हर हार्प, और अपनी हार्प को बजा कर सबको मशहूर कर सकती है। इंचेंट का मतलब होता है चार्मिंग या फिर मशहूर कौन। हार्प जो है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड नो वन हियर विल एवर बीट हर एट चेस, और यहाँ पर कोई उसे चेस में नहीं हरा सकता। इज़ दैट सो, क्या वाकई ऐसा है, इंटरप्टेड द प्रिंस, प्रिंस ने उसे टोका। यस, बिल्कुल, इंडीड, ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल या बेशक। शी कुड ईजीली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वो आपके इन सब नोबल्स को आसानी से हरा सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसा कहने पर, ग्रेट प्रिंस, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर, कि आपके पास उसका कोई मैच नहीं है। द प्रिंस बिकम वेरी एंग्री, प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने ये बात सुनी, ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सैड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ स्टावर पर और कहा, यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, इस दफ़ा तुमने बहुत आगे की बात की है। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि मेरे पास तुम्हारी बीवी का कोई मैच नहीं। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर,
प्रिंस ने उंगली से इस टावर की तरफ इशारा किया एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सैड और अपने एक गार्ड को भेजा और कहा टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ, थ्रो हिम और फेंक दो इन टू द डंजन कैद खाने में, गिव हिम ऑड्स और इसे जो एंड वाटर और पानी दो, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नाउ गो, अब जाओ।